लास्ट टॉपिक में हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को ड्राइव किया था और ये शो किया था कि a1v1 इज इक्वल टू a2v2। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेस कर रही थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। अब हम बर्नौलीज इक्वेशन को स्टडी करने जा रहे हैं। बर्नौलीज इक्वेशन की डेरिवेशन हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सबसे पहले देखते हैं कि बर्नौलीज इक्वेशन किन पैरामीटर्स को रिलेट करेगी। बर्नौलीज इक्वेशन रिलेट करेगी प्रेशर ऑफ फ्लूइड, स्पीड ऑफ फ्लूइड एंड हाइट ऑफ फ्लूइड। तो हमारे पास ये एक पाइप मौजूद है जिसमें वाटर जो है इस डायरेक्शन से आ रहा है और इधर से बाहर की तरफ एग्जिट कर रहा है। हमने कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वो बर्नौलीज इक्वेशन लिखनी है और इन पैरामीटर्स को रिलेट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सपोज टाइम टी के अंदर पानी यहां से जो यहां पे मौजूद था वो यहां आ गया है। सिमिलरली टाइम टी में जो पानी इस जगह पे मौजूद था वो यहां आ चुका है। ये वाले पोर्शन को हमने ब्लू से इसलिए शो किया है कि ये टाइम टी के अंदर पानी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये वाला जो कॉलम है यहां से लेके यहां तक ये हमारी कंसिडरेशन में है, हमारी हमारे फोकस में है, जिसमें रेड भी शामिल है ब्लू भी शामिल। जो पानी आगे ब्लैक कलर में शो किया गया है इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमने इसके लिए कैलकुलेशन नहीं करी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पे क्योंकि पानी इस डायरेक्शन से इधर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसने डिस्टेंस किया डेल्टा एक्स वन कवर। तो सबसे पहले हम यहां देखते हैं कि यहां पे कितना वर्क डन हुआ है हमारे इस कॉलम ऑफ वाटर पे। याद रखें कि ये जो कॉलम ऑफ वाटर है ये हमारे फोकस में। तो यहां पे जो ये बाउंड्री जो है इसके ऊपर अगर देखें तो ये जो पानी का हिस्सा होगा ये इस पानी के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। सिमिलरली ये जो पानी होगा ये इस वाले पानी पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। क्योंकि हमारी हमारा फोकस जो है वो इसके ऊपर है तो हमने उस फोर्स को कंसीडर करना है जो इसके ऊपर लग रही है। तो हम वर्क डन फाइंड करने के लिए लिखते हैं W1 इज इक्वल टू F1 डेल्टा X1, जैसा कि वर्क का फार्मूला है F फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स इसके ऊपर लगने वाली F1 है और डिस्प्लेसमेंट जो यहां पे कवर हुआ है वो नजर आ रहा है आपको डेल्टा X1 है टाइम टी में। तो फोर्स किसके इक्वल होती है, प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया। जब यहां से फोर्स की वैल्यू निकालते हैं तो वो आ जाती है प्रेशर इनटू एरिया। तो हम F1 की जगह लिख सकते हैं P1A1 डेल्टा X1 एज इट इज आ गया। सिमिलरली अब हमने वर्क डन निकालना है इस जगह पे, इस हमारे कॉलम पे, इस पॉइंट पे तो इतना वर्क डन हुआ है हमने कैलकुलेट कर लिया। क्या इस जगह पे भी चूंकि इसने डिस्प्लेसमेंट तो कवर किया है यहां से यहां तक कोई वर्क डन किया है इस पानी ने इसके ऊपर? तो अगेन इस पानी के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, इस तरफ को हमारे ब्लू वाटर से जो हम कंसीडर कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ये जो पानी है ये हमारे इस पानी पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में। हमने चूंकि देखना है वर्क डन इसके ऊपर तो हमने इसके ऊपर लगने वाली फोर्स को देखना है। तो हम लिखेंगे W2 इज इक्वल टू -F2 डेल्टा X2। क्यों माइनस आया है, क्योंकि इस पानी के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया है यहां से यहां तक इस डायरेक्शन में। दोनों अपोजिट है तो नेगेटिव साइन आएगा। फोर्स अगेन प्रेशर इनटू एरिया लिख सकते हैं -P2A2 डेल्टा X2। अब हमने टोटल वर्क डन देखना है कि कितना हुआ यहां पे वर्क डन प्लस यहां पे, दोनों को का वर्क डन देखना है। तो वो टोटल वर्क डन जो हुआ है वो W=W1+W2 आ गया। वैल्यूज पुट करते हैं W1 की, ये वैल्यू यहां आ गई, W2 की वैल्यू यहां से देखें तो ये वैल्यू है W2 की, तो ये वैल्यू हमने इसकी जगह यहां पुट कर दी। अब क्या करें, डेल्टा X1 आपको पता है अगर टाइम टी में ये डिस्टेंस कवर हुआ है और यहां पे वेलोसिटी की वैल्यू V1 है तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा X1 को बाय S=VT से V1T के इक्वल। सिमिलरली बाय S=VT से हम डेल्टा X2 को लिख सकते हैं V2T, क्योंकि यहां पे पानी की जो वेलोसिटी है वो V2 के इक्वल है फ्लूइड की वेलोसिटी। अब क्या करें, आप नेक्स्ट स्टेप में
आपको आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में लास्ट स्टेप में ड्राइव लास्ट टॉपिक में ड्राइव किया था A1V1 इज इक्वल टू A2V2। अगर दोनों साइड पे हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को तो ये आ जाता है A1V1T इज इक्वल टू A2V2T। ये क्या चीज है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम को, जितना वॉल्यूम इसमें एंटर हुआ है या जितना वॉल्यूम यहां से लीव किया। तो दोनों को हम इसकी जगह पे यहां पे इस पूरे की जगह इसकी वैल्यू V पुट कर दें तो आपके पास ये आ गया P। इस सारे की जगह भी इसकी वैल्यू ये आपकी पास पड़ी हुई है, ये V वैल्यू है, इसकी जगह ये पुट कर दें तो आपके पास ये टर्म आ गई। तो आपके पास W इज इक्वल टू P1V माइनस P2V के इक्वल आ गया। V कैपिटल V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या करें, दोनों में से वॉल्यूम कॉमन ले लें तो ये आ गया P1 माइनस P2। आपको पता है कि डेंसिटी का फार्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा, मास ओवर डेंसिटी। ये वॉल्यूम है, इधर से इधर लेके जाए मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर से इधर आ गया डिवाइड हो गया, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी। तो वॉल्यूम की जगह उसकी ये वैल्यू मास ओवर डेंसिटी यहां पुट कर दें। अब आपके पास वर्क डन आ गया है, डब्ल्यू इज इक्वल टू P1 माइनस P2 मास ओवर डेंसिटी। अब हमने निकालनी है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्यों निकालना चाहते हैं, वर्क डन हमने निकाल लिया है पहले, अब हम देखेंगे कि इस वर्क डन की वजह से कोई एनर्जी में चेंज आई है। तो एनर्जी में चेंज दो तरह की आएगी, एक काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी में चेंज देखें तो वो कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। तो चेंज क्या होगी, फाइनल में से हमेशा हमने इनिशियल को माइनस करना होता है, तो ये फाइनल जो है हाफ एम वी टू स्क्वायर, इसमें से माइनस कर दिया हाफ एम वी वन स्क्वायर को, क्योंकि मास तो दोनों जगह सेम है पानी का, जितना मास एंटर हुआ है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उतना ही यहां से एग्जिट करेगा। यहां पे वेलोसिटी उसकी v1 है, यहां पे वेलोसिटी है v2, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ गई। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी में चेंज फाइंड करें, वो कैसे आएगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh2 माइनस mgh1, यानी इस वाले की हाइट जो है वो h2 हमने अज्यूम की हुई है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh, अगेन m दोनों के लिए सेम है, g भी सेम है, हमने ये अज्यूम किया हुआ है कि ये हाइट में डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है, किलोमीटर्स में नहीं है कि g चेंज हो जाए दोनों जगह, तो g भी सेम है m भी सेम है, तो सिर्फ h1 और h2 जो है वो आ जाएंगे। h2 फाइनल के लिए आ जाएगा ये वाले हाइट, और h1 जो है वो इनिशियल के लिए आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि टोटल चेंज इन एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होनी है, वर्क डन के। तो हम लिखते हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वर्क डन ऑन द फ्लूइड इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि हमने ये अज्यूम किया हुआ है कि फ्लूइड जो है वो नॉन विस्कस है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए और उससे अगले सारे टॉपिक्स के लिए। तो अगर फ्लूइड विस्कस होगा तो फिर हम ये इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकेंगे, क्यों, कुछ एनर्जी यूज हो जाएगी इंटरनल फ्रिक्शन के अंदर जो लिक्विड के अंदर मौजूद हो। तो अगर हम फ्लूइड की विस्कोसिटी को इग्नोर कर दें, हम कहेंगे फ्लूइड विस्कस नहीं है, उसकी विस्कोसिटी ना होने के बराबर है, तो फिर हम ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने ध्यान में रखना है कि लास्ट टॉपिक में जो तीन अजम्पशंस हमने की थी कौन कौन सी, एक ये कि फ्लूइड आपका नॉन विस्कस है, दूसरा ये इनकम्प्रेसिबल है, तीसरा ये कि फ्लूइड का फ्लो जो है वो स्टडी है, वो तीनों की तीनों इसमें जरूर कंसीडर होंगी, हालांकि वहां पर सिर्फ दो कंसीडर हो रही थी जो मैंने बताया था आपको। तो W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी में चेंज ये पुट कर दें, इसकी वैल्यू ये सारी उठा के इसकी जगह पुट की तो ये आ गया। अब पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है वो इसकी ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है ये वाली, तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज की ये वाली वैल्यू उठा के इसकी जगह पुट करेंगे तो ये नेक्स्ट टर्म, यहां जगह नहीं थी यहां लिख दी। अब क्या करें, अब सारी टर्म्स में से आप मास को कैंसिल आउट कर दें, तो मास इधर से भी इधर से भी इधर से भी सारे में से एक कैंसिल हो जाएगा तमाम टर्म में से। तो अब हमारे पास क्या बच गया, P1 माइनस P2 ओवर रो बच गया, ये रो इधर डिवाइड हो रहा है, इधर चला जाए तो सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 ओवर 2 रो v2 स्क्वायर। याद रखें यहां मास कैंसिल हो गया हुआ है, कुछ नहीं बचा हुआ यहां पे ना,
ये रो इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, सिमिलरली इधर भी मल्टीप्लाई हुआ, तो ये सारी टर्म्स के साथ रो रो आ गया। अब हम चाहते हैं कि इक्वेशन में एक सिमिट्री हो, सिमिट्री किस तरह की हो, एक तो ये कि सारी टर्म्स पॉजिटिव हो, दूसरा ये कि वन वाली टर्म्स एक तरफ आ जाए, टू वाली जो है दूसरी तरफ चली जाए, तो ये टर्म जो है मैं इसको उठा के इधर ले आता हूं तो ये प्लस हो गई, ये टर्म जो है इसको भी मैं उठा के इधर ले आता हूं तो ये भी प्लस होगी, ये इधर माइनस है इसको इधर ले जाता हूं ये भी प्लस होगी, ये पहले से इधर पड़ी थी तो ये इसी तरह प्लस थी, ये पहले भी प्लस थी, ये भी इसी तरह प्लस है, ये भी एज इट इज आ गई, तो ये मेरे पास जो है इक्वेशन आ गई है जिसको मैं नाम दूंगा बर्नौलीज इक्वेशन। अब आपको पता है यहां पे सिर्फ क्या फर्क है, वन का सबस्क्रिप्ट आ रहा है यहां पे, टू का सबस्क्रिप्ट आ रहा है, बाकी सारी चीजें वही आ रही है, तो इन जनरल मैं कह सकता हूं सबस्क्रिप्ट खत्म करके कि p प्लस वन बाय टू रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये जो है ये बर्नौलीज इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म। तो हमने इस टॉपिक में बर्नौलीज इक्वेशन ड्राइव कर ली है, नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट लेक्चर में बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे।